गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। नमस्कार दोस्तों, देखो मैं कुछ दिन से थोड़ी बहुत वीडियो नहीं बना रहा था, सॉरी उसके लिए, थोड़ा एक काम में फंस गया था बेटा जी, लेकिन मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ धमाकेदार अपना प्रस्तुति लेके। एक तरह से अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12 में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लियर है बेटा जी। तो बेटा इसमें एक या दो लेक्चर हो चुका था जहाँ पे हमने बेसिकली अगर बात बोले तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ने की कोशिश की थी कि बेटा विथ गैमेट फॉर्मेशन जो फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, और कुछ बातें बताई थी कि बहुत सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे भी होते हैं असेक्सुअल वाले जो बिना गैमेट के फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था सौरभ की बीबी कैसी बेटा फालतू वेजिटेबल ले आई, इससे स्पोरुलेशन, बाइनरी फिजन, नेक्स्ट बीबी बडिंग, नेक्स्ट क्या बताया था दैट इज फ्रेगमेंटेशन, एंड लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्लियर है जी। तो बेटा इससे पहले जो हमारा जो पुराना लेक्चर था, पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने पूरी तरह से टिल आपका स्पोरुलेशन कर लिया था, बडिंग कर लिया था, बाइनरी फ्यूजन समझा दिया था आपको। बेटा समझना है हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन, और आज के लेक्चर में हम पूरी तरह से फ्रेगमेंटेशन को पढ़ने वाले हैं, एंड सेकेंड दैट इज द वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन, और आज का हमारा ये लेक्चर पूरी तरह से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समर्पित है। और बेटा इसमें जितनी भी चीजें आएंगी वो असेक्सुअल के आज द एंड हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आएगा बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आइए बेटा चलते हैं अपना जो हमारा टॉपिक, द टॉपिक विच वॉज लेफ्ट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, क्लियर है जी। चलिए नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द बेस्ट टॉपिक दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन? देखिए फ्रेगमेंटेशन लिटरली अगर बोले तो फ्रेगमेंट, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो थोड़े थोड़े पीसेस में टूट जाए, कुछ पार्ट्स उनका ब्रेक डाउन कर जाए, और वो पार्ट कैपेबल हो और एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर ले, देन दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। चलिए आइए देखिए, सपोज करिए ये कोई एक स्टार फिश है, ठीक है जी, ये कोई मान लीजिए ये कोई स्टार फिश है बेटा जी, ओके क्या हुआ इसका स्मॉल सेक्शन जो है इसका वो कट के अलग हो गया, मान लीजिए ये सेक्शन कट के अलग हो गया ये वाला, ठीक है जी, ये पार्ट इसका लॉस्ट हो गया और ये अलग हो गया। तो द पार्ट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेन बॉडी या मेन पेरेंट बॉडी इज नोन एज फ्रेगमेंट, जो टूट के अलग हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया बेटा फ्रेगमेंट। और ये जो फ्रेगमेंट है इसके अंदर में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है ताकि वो बेटा नया एक स्टार फिश बना ले। तो कुछ समय बाद अगर ये एक कंप्लीट स्टार फिश बना लेगा, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, इसी को बोलेंगे बेटा जी फ्रेगमेंटेशन। यानी एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है एक छोटे से फ्रेगमेंट से, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि सर व्हाट अबाउट द रीजनरेशन? भैया तो सुनिएगा यहां पे एक बात बेटा, यहां पे ये जो लॉस्ट पार्ट है इसका, जो स्टारफिश का जो पार्ट टूटा हुआ है, ये भी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसके पास रीजनरेट करने की भी कैपेसिटी होगी, क्लियर है जी। एक अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई होगा। तो ये जो लॉस्ट पार्ट होगा, लॉस्ट पार्ट इट विल अगेन रिगेन, तो लॉस्ट पार्ट अगर रिगेन हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोल देंगे बेटा जी रीजनरेशन,
क्लियर है जी, दोनों बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्रेगमेंटेशन सिंपल एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट, एक फ्रेगमेंट टूटेगा और वो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर ले, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट अबाउट द लॉस्ट पार्ट, ये जो लॉस्ट पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट टूट के अलग हो गया था, उस जगह पे भी नया पार्ट आएगा, दैट इज नोन एज रीजनरेशन। लेकिन बेटा जो फ्रेगमेंट टूट के एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना ले तो उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मोस्टली आपके, अब कई लोग सोचेंगे फ्रेगमेंटेशन एनिमल और, बेटा दोनों में होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्लांट में भी होता है और एनिमल में। अभी हमने स्टार फिश का जिक्र किया, ये जो स्टार फिश है बेटा, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो फाइलम किसके लिए होता है? फाइलम इज फॉर एनिमल। फाइलम में सारे हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं बेटा जी। डिवीजन किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए। तो ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है स्टारफिश। तो बेटा ये आपको क्या दिखा रहा है? फ्रेगमेंटेशन दिखा रहा है ना, यानी किसमें है बेटा जी? एनिमल में है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, प्लांट की अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक प्लांट है, एक एल्गी है अगर बोले, दैट इज नोन एज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो कि एल्गी है, और एल्गी बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि देयर आर द फाइव क्लासेस ऑफ प्लांट, जो प्लांट के अंदर में है, दैट इज एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। क्लियर है जी? तो उसी में जो पहला क्लास है प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में, दैट इज स्पायरोगायरा। बेटा ये जो स्पायरोगायरा जो कि एक प्लांट है, इसके अंदर में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सपोज करिए कि एक ये कोई एडल्ट स्पायरोगायरा है, ठीक है जी, क्लियर बेटा। अब मान लीजिए ये टूट गया, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गया, ये टूट के अलग हो गया, ये टूट के अलग हो गया, ये टूट के अलग हो गया, यानी तीन अलग अलग इसके फ्रेगमेंट्स हो गए। मान लीजिए तीन अलग अलग इसके फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है जी। तो जैसे ही ये मैच्योर होगा, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, और बेटा हर फ्रेगमेंट एक नया स्पायरोगायरा को डेवलप करेगा, ये भी एक नया स्पायरोगायरा को डेवलप कर लेगा, ये भी एक नया स्पायरोगायरा को डेवलप कर लेगा। क्लियर है जी? सो यहां पे भी अगर आप देख रहे हो तो जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स है वो एक कंप्लीट 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 तीन, एक दो तीन, तीन अलग अलग प्रकार के स्पायरोगायरा को इसने जन्म दिया। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंट टेशन। तो यहां एक स्पायरोगायरा थे और भैया यहां पे कितने हो गए? थ्री न्यू स्पायरोगायरा आर फॉर्म्ड, और वो भी कहां से हुआ है? छोटे से फ्रेगमेंट से हुआ है। देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। याद कर लीजिएगा बेटा जी, एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं किया गया है कि किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर में फ्रेगमेंटेशन पार्टिकुलरली पाया जाता है। मैंने पार्टिकुलरली लिखा है बेटा फ्रेगमेंटेशन प्लांट की अगर बात करेंगे तो स्पायरोगायरा में पाया जाएगा, और भी बहुत सारे जगह पाए जाते हैं, लेकिन हम सिंपली देखते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों में, मुझे ये समझाना है, एनिमल के अंदर में पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, उसके अंदर में भी आपका फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, जो कि एक सिलेंट्रेटा है, नाइडेरियन जिसको हम लोग बोलते हैं, फाइलम प्लेनेरिया जो कि एक प्लेटीहेलमिंथिस है, उसके अंदर में हो सकता है, स्टारफिश जो कि एक इकाइनोडर्मेटा है। तो बेटा जी इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर में, यानी बेसिकली अगर बोले तो आपका जो फ्रेगमेंटेशन होगा ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर में पॉसिबल है। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सारे फंजाई में भी होता है, फंजाई आल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। हम यहां नॉर्मली बात करें तो वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। सो फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, छोटे छोटे पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, एंड ईच फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एडल्ट। भैया एडल्ट में ग्रो कर गया, एंड फिर बाद में वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा।
एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट फ्रेगमेंटेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेगमेंटेशन. क्लियर है जी, जरा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं. चलिए बेटा जी, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ. वैसे अगर आप लिखना चाहें तो दो बातें और यहाँ ऐड कर सकते हैं. सुनिएगा, यहाँ पे ऐड ही कर लीजिए कि फ्रेगमेंटेशन और किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जा सकता है. तो बेटा फ्रेगमेंटेशन आपके बैक्टीरिया यानी कि मोनरन्स में पाया जा सकता है, और फ्रेगमेंटेशन आपके फंजाई में पाया जा सकता है. तो ये सारे एग्जाम्पल जहां पे फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है. ध्यान देने वाली बात क्या बेटा, एक ये हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर में बडिंग भी पाई जाती है, बताया था आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा. क्लियर है जी, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. और ये हाइड्रा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करेगा, उस तो बाद में बात कर लेंगे. हाइड्रा में आपको बडिंग बताई थी, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है. फिर जब आप क्लास 11th की बात याद करेंगे तो यहां मैंने लिखा प्लेटी एलिमेंट, जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर में फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है, और साथ साथ में मैंने लिखा था हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, तो ट्रू रीजनरेशन भी पाया जाता है आपके प्लेनेरिया में. क्लियर है जी, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, जरा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं, द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर क्लास, दैट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ. मेरी क्लास लास्ट नहीं है, ऐसा नहीं पता चले सर चल गई है मठ पे, ऐसा थोड़ी ना बेटा. अभी हूँ, अभी परेशान करता रहूंगा, एक एक लाइन आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी है मेरी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट हो तो बेटा, वैसे उसको ये ना लगे सर ने ये छोड़ दिया, नहीं बेटा, मैं एक एक लाइन बताऊंगा एनसीईआरटी की, ताकि आप अगर पढ़ें यहाँ से तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, दिन दनादन सारी चीजें हो जाएंगी. क्लियर है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कौन सा प्रोपोगेशन बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन सा बेटा, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हमने लिस्ट पढ़ी थी बिना गैमेट फॉर्मेशन के, जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब ये यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के केसेस में जनरली प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, फॉर एग्जाम्पल आपका रूट हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्टेम हो गया, फॉर एग्जाम्पल लीफ हो गया, these are the parts that can be called as propagules. So अगर कोई भी एक नया plant grow किया जा रहा है root से, stem से, leaf से, तो बेटा ये root, stem, leaf को हम लोग बोलते हैं vegetative propagules, और यही vegetative propagules बाद में develop करके एक new plant को जन्म देते हैं. So this type of asexual mode of reproduction is known as वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्या बोलते हैं बेटा जी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्लियर है जी, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं आपके, हम पढ़ने वाले हैं, पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे. चलिए दोस्तों, अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज लिखा हुआ है जिसको पढ़ने में मजा आएगा, ओके जी. और अनएम्बिग्यूसली एक टर्म दे रखा है, तो पढ़ने के बाद पूरी लाइन ऐसी होती है पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है. मैंने इसको थोड़ा हिंदी में बता दिया है ताकि आपको समझ में आए. देखिए लाइन क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी में, सबसे पहले कि व्हाइल इन एनिमल्स, क्या बात कर रहा है, व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली अनएम्बिग्यूसली, यानी स्पष्ट रूप से कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. लेकिन बेटा जब प्लांट की बात आती है तो वहां असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जगह पे फ्रीक्वेंटली ज्यादातर यूज किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ध्यान रखिएगा, व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म द टर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड अनएम्बिग्यूसली. अनएम्बिग्यूसली का मतलब स्पष्ट रूप से,
बट इन प्लांट्स, ध्यान रखिएगा, बट इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज. सो प्लांट के अंदर में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज किया जाता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज किया जाता है. अनएम्बिगुअसली क्लियर है जी, फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, क्लियर है. तो याद रखिएगा एनिमल और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है वहां पे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन का यूज किया, सॉरी आपका ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर प्लांट्स के लिए. दोनों बातें सेम ही है, बस आपको याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंटली कौन ज्यादा यूज होता है. ठीक है जी, आइए नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको समझने के लिए सिंपल सा एक सुनो. सपोज करो ये कोई एक प्लांट है, ये प्लांट का कोई भी पार्ट एक्स वाई जेड, कोई भी पार्ट सपोज करो, इसका ये लीफ है, ये लीफ टूट के गिरा, ठीक है जी, आपके ग्राउंड पे. और अगर बेटा ये लीफ क्या हो जाए बेटा, डेवलप करके एक, इस लीफ्स को डेवलप करके एक नया प्लांट बना दे, ये लीफ जो है डेवलप करके एक नया प्लांट बना दे, तो इसी को बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो जो पार्ट आपके प्लांट से डिटैच होके टूट के गिर रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी पार्ट हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ्स हो, ठीक है जी, कोई भी हो, वो कहलाता है, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, कोई भी पार्ट हो, उन पार्ट्स को बोलते हैं बेटा जी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. और ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होंगे, ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स डेवलप करके एक नया प्लांट बना लेंगे, न्यू प्लांट की सिंथेसिस कर देंगे. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेयर एनी न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. मतलब चाहे वो रूट, स्टेम, लीफ, किसी भी पार्ट से डेवलप हो रखा हो, उसको बोलते हैं बेटा जी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन प्लांट्स, ठीक है जी, इन विच न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम एनी फ्रेगमेंट, कोई भी फ्रेगमेंट, या उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल. यहाँ फ्रेगमेंट नहीं करेंगे, यहाँ हम स्पेसिफिकली कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो आपको याद इतना रखना है, कोई भी मेन प्लांट है, उसका एक्स वाई जेड पार्ट, कुछ भी पार्ट टूट के गिरे, और या कैसे भी उसके पार्ट को आप काट भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि टूट के ही गिरेगा, ऐसा थोड़ी इंतजार करें टूट गिर जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा, गिरने के लिए इंतजार कर, नहीं. आप कई बार आपने सुना होगा रोज रोज को आप लगाते हैं, तो कैसे, कहीं किसी और के गए, उसके यहाँ रोज लगा हुआ, उसकी स्टेम काट के ले आए और आपने धरती में लगा दिया, नया आपको रोज मिल जाता है, पूरा एक नया प्लांट आपको मिलता है कि नहीं जी. तो स्टेम, रूट, लीफ, किसी भी पार्ट को आप अगर लगाएंगे और एक नया प्लांट आपको मिल जाएगा, तो वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है जी. और जो पार्ट, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ की बात की हमने, जो जिस पार्ट को आप किसी मेन प्लांट से काट के और लगा रहे हो धरती में या ग्राउंड में, तो बेटा जी उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के, वो एक्चुअली है यही, या तो वो लीफ के मॉडिफिकेशन है, या स्टेम या रूट के मॉडिफिकेशन है, क्लियर जी. उनको अलग अलग नाम दे रखा है आपके एनसीईआरटी, जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स दे रखा है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स दे रखा है, वो एक्चुअली में इन्हीं सबके मॉडिफिकेशन है, कोई लीफ का मॉडिफिकेशन होगा, कोई स्टेम का, कोई रूट का मॉडिफिकेशन होगा, क्लियर है जी. तो कौन कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स पढ़ना है हमें, देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा रनर, सक्कर, अरे देखिए बेटा ये सारे टर्म्स दे रखे हैं, रनर, देन देयर विल बी द सक्कर, देन देयर विल बी द राइजोम, क्लियर है जी, देन देयर विल बी द ऑफसेट,
ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, बल्ब दे रखा होगा, बुलबिल दे रखा होगा। क्लियर है जी? ये सारी चीजें आपके दे रखी हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगल्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, वो क्या है, इन्हीं सब का, या तो लीफ का मॉडिफिकेशन, या तो स्टेम का मॉडिफिकेशन, या तो रूट का मॉडिफिकेशन, इन्हीं का मॉडिफिकेशन है। क्लियर है जी? ध्यान से सुनिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स आपका या तो स्टेम होगा, या तो रूट होगा, या तो लीफ होगा, बस। ठीक है, ये इनके मॉडिफिकेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स अगर पूछे कि कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं जिससे आप ग्रो कर सकते हैं किसी प्लांट को, तो मैंने लिख दिया सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, रनर, सकर, राइजोम, ऑप्सिट। क्लियर है जी? बल्ब, बुलबिल। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे बेटा जी ये सारी बातों को। अब अगर हम बात करें बेटा कि कौन कौन से हमें या क्या क्या चीजें, क्या क्या मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है, स्टेम में क्या पढ़ना है, रूट में क्या पढ़ना है, लीफ में क्या पढ़ना है। वैसे तो रूट का एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन हम दो तो पढ़ेंगे भैया, स्टेम और लीफ तो दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टेम के अंदर में जो पहला वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है स्टेम, स्टेम के अंदर में हम चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा जी अंडरग्राउंड स्टेम, ऐसी स्टेम जो कहां हो बेटा, ग्राउंड के नीचे हो। क्लियर है? दूसरा हम पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम, सब एरियल यानी स्टेम कुछ धरती में होगी, कुछ उठी होगी, सब एरियल या पानी के सरफेस पे होगी और कुछ उठी होगी, फिर पानी पे आ गई होगी, थोड़ी बहुत एयर में जाएगी, फिर सरफेस पे आ जाएगी, सब एरियल स्टेम। थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा जी एरियल स्टेम, जो कि पूरी तरह से हवा में ही होगी ना, यानी कि ग्राउंड सरफेस से ऊपर होगी। एंड द नेक्स्ट दैट इज द फोर्थ वी विल स्टडी इन स्टेम दैट इज बुलबिल। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? बुलबिल। चार चीजें, पहला अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा सब एरियल स्टेम, थर्ड एरियल स्टेम, एंड फोर्थ दैट विल बी द बुलबिल। क्या जी? बुलबिल। ऐसा मतलब नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, वैसा ही है ये बुलबिल, ऐसा नहीं है बेटा बुलबिल, ये बुलबुल नहीं है, बुलबिल है। क्लियर है जी? बुलबुल समझ रहे हैं, कई लोग बोलने लगे ए बुलबुल सर ने पढ़ाया था बुलबुल, नॉट बुलबुल, इट इज बुलबिल। क्लियर है जी? देन हम दूसरा पढ़ेंगे बेटा लीफ के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे लीफ। वैसे एक ही मॉडिफिकेशन दे रखा है आपके लीफ में, ब्रायोफाइलम वाला, बस वो पढ़ेंगे। और थर्ड हम पढ़ेंगे रूट, वैसे रूट यहां नहीं दे रखा है, रूट के सारे मॉडिफिकेशन आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में है, जो हम ऑलरेडी 11th में करने वाले हैं। क्लियर है जी? तो हमें ये पढ़ना है, लीफ का एक पढ़ना है जो एग्जांपल दे रखा है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भैया इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पूछा जाता है, क्या ये एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? तो यस बेटा, ये एक प्रकार का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। कौन बेटा जी? आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा, यहाँ पे आप क्या करो, किसी एक प्लांट की लीफ ली, रूट ली, स्टेम ली, और उसे एक नया प्लांट ग्रो कर रहे हो, तो यहाँ कहीं भी फ्यूजन नहीं है गैमेट का, सो ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, जो अभी हमने पढ़ा था कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो भी होगा, उसके अंदर में जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा होगा बेटा,
तो ऑब्वियसली बेटा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो नया ऑफस्प्रिंग आएगा तो बेटा वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है टू देयर पेरेंट्स, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लोन्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इसके द्वारा भी जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो भी क्या होंगे बेटा, ऑब्वियसली क्लोन, क्योंकि यहाँ फ्यूजन ऑफ नहीं हो रहा है। क्लियर है जी? इज द टर्म क्लोन अप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या ये सही है? तो आप बोलेंगे बेटा यस, यहां भी क्लोन ही फॉर्म होते हैं और कोई चीज फॉर्म नहीं होगी। क्लियर है जी? इन बातों को ध्यान से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बताऊंगा बेटा, कसम खा रखी है मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों को नीट मुझे निकलवाना है, और नीट निकालना है तो अभी पेपर आपने देखा होगा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बाकी टीचर क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मेरी बुराई करे मैं बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझा रहा हूं अनएम्बिगुअसली, मैं भी छोड़ के जा सकता हूं, ठीक है, अनएम्बिगुअसली। फिर बच्चा पढ़ेगा व्हाट इज दिस टर्म मींस, फिर डिक्शनरी उठाएगा देखेगा। बेटा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आप सौरभ सर की क्लास में है, पूरा आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर और एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको पढ़ा के छोड़ूंगा, ताकि आप एक बार पढ़ लो फटाफट आपको सब कुछ याद रहे। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट्स को बेटा, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा जी, अब हम जो जितने भी पार्ट्स है उसको सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट विच वी आर डिस्कसिंग दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर में हमें बेटा तीन चीजें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, या तीन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा बेटा ट्यूबर, देन सेकंड दैट विल बी द राइजोम, थर्ड देयर विल बी द बल्ब। ये सब के सब बेटा अंडरग्राउंड स्टेम है। सुनिएगा, इनमें सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो दे रखा है बेटा दैट इज ट्यूबर। यहां पे क्या होता है बेटा जी, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है जी, स्टेम का कुछ पार्ट तो ऊपर है, कुछ पार्ट कहाँ है, स्टेम का ग्राउंड के ऊपर है, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है स्टेम का वो नीचे आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम। भाई ये कौन सी स्टेम होगी, अंडरग्राउंड स्टेम, ध्यान से देखिएगा, अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर है जी? अब क्या होता है, यहां जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है बेटा, ये स्टेम भैया ब्रांचेस कहां आती हैं, स्टेम के ऊपर, लेकिन यहां पे जो ब्रांचेज आ रही है ऊपर नहीं आ रही, कहां रही है, ब्रांचेज यहां पे नीचे आती हैं, यहां पे इस रीजन में ब्रांचेज आ जाएंगी, ब्रांचेज आ जाएंगी, ब्रांचेज आ जाएंगी, आपकी ब्रांचेज है, ये आपके ब्रांचेज आ गई। तो सबसे पहले क्या बोला बेटा कि भैया स्टेम क्या हो गया बेटा, अंडरग्राउंड, और उसके अंदर में बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, और ब्रांचेस के एंड पे जो ब्रांचेस का जो एंड होता है वो बेटा स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, स्वॉलन हो जाता है, ब्रांचेस का जो एंड होता है, एंड जो होगा ब्रांचेस का जो एंड होगा वो कैसा होगा बेटा, स्वॉलन, स्वॉलन का मतलब हो जाता है बेटा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या स्टोर होता है बेटा, फूड स्टोरेज होता है। तो बेटा जी इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, सुना होगा ना, स्वीट पोटैटो नहीं, स्वीट पोटैटो जो होती है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है आपका पोटैटो। तो देखो बेटा क्या मैंने बोला, स्टेम अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड स्टेम बोला, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, लेकिन बेटा जो ब्रांचेस का एंड होगा, ब्रांचेस का एंड होगा
वो स्वॉलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फूड डिपोजिट होता है, फूड स्टोर होता है। तो बेटा ऐसा किसमें देखने को मिलता है? पोटैटो के अंदर में। पोटैटो कहाँ होता है? जमीन के अंदर में डेवलप करता है और कुछ इसी तरह से डेवलप करता है। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज ट्यूबर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्यूबर। एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ स्टेम इज स्वॉलन, फूल जाएगा ड्यू टू फूड डिपोजिट या फूड स्टोरेज। दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज, क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्या बोलोगे जी? ट्यूबर। क्या बोलेंगे भाई साहब? ट्यूबर। ठीक है, कहां पाया जाता है? पोटैटो में लिख दिया। इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपने देखा होगा बेटा आलू, जब आलू को आप ऐसे कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, जैसे मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये आपका एक पोटैटो है, तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट आईज ऑफ पोटैटो, आईज ऑफ पोटैटो। तो बोलते हैं बेटा जी, आपको जब कभी भी आलू की बुआई करनी होगी, आलू को बोना होगा, तो आप इसको कट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, क्योंकि आईज नहीं कट होनी चाहिए। आईज का मतलब सुनिए, सिंपल सी बात है, क्यों यहां कहते हैं कि आईज ऑफ पोटैटो को कट नहीं करना चाहिए, क्यों जरा सुनिएगा बेटा। यहीं ये जो आई ऑफ पोटैटो आपको दिख रही है, यहीं से बेटा जी आपके बर्ड्स आते हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। कुछ समय के लिए आप आलू को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे उसमें कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का प्लांटलेट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है या व्हाइट व्हाइट कलर का आ जाता है, वो क्या होता है? वो बेटा जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। तो यही जो है बेटा आई आगे चल के क्या बनाएगा? ये जर्मिनेट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। और बेटा जैसे ही आप इसको ले जाके कहीं मिट्टी में, सॉइल में रखोगे, तो ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स क्या हो गए बेटा? डेवलप करके छोटा छोटा प्लांटलेट्स, अभी तो प्लांटलेट के फॉर्म में, फिर डेवलप करके नया प्लांट बना लेगा, नया ट्यूबर बना लेगा। क्लियर है जी? तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और बेटा बर्ड्स, बर्ड्स कहाँ डेवलप होते हैं? देखिए बर्ड्स या तो फ्लावर जहां से डेवलप होगा, तो वहां पे फ्लोरल बर्ड्स आती हैं, ठीक है जी, नहीं तो जो ब्रांचेज, जैसे ये स्टेम है, इसकी ये ब्रांचेज है, ठीक है जी, ब्रांचेज है, तो ब्रांचेज के यहां पे ऑक्सिलरी बर्ड आते हैं। क्लियर है जी? यानी ब्रांचेज वाले पोर्शन पे ही तो बर्ड डेवलप होते हैं। तो बेटा देख रहे हो, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ये जो आई बर्ड्स आ रही है, तो ये ऑब्वियसली इसी तरह से बनता है। किस तरह से बनता है? ट्यूबर। क्योंकि बेटा ये कहां बना है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम का ये क्या हो गया? ब्रांच। और ब्रांच के ऊपर क्या जन्म ले रहा है? बर्ड। और वही छोटा सा बर्ड बाद में डेवलप करके पूरा आलू बनाता है। क्लियर है जी? इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आईज ऑफ पोटैटो और जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। क्लियर है जी? एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए बेटा जी, कि किसी और में एक, शायद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जाए नहीं, नेक्स्ट पेज पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, पूछा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फाउंड इन डहलिया। तो डहलिया भी ट्यूबर के तरह ही क्या करती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसमें सेम इसी तरह से पाया जाता है। तो आप दो चीजें याद कर लीजिएगा कि ट्यूबर फॉर्मेशन होगा, इसको मैं याद करा देता हूं बेटा, एक सिंपल सा ट्रिक बना देता हूं, DPT। क्या बेटा जी? DPT यानी बेटा डहलिया पोटैटो के अंदर पाया जाएगा, क्या बेटा जी? ट्यूबर। यानी इनके अंदर में क्या पाया जाएगा? ट्यूबर। DPT याद कर लीजिएगा, DPT। तो DPT का मतलब क्या हो गया? डहलिया पोटैटो के अंदर में क्या डेवलप होगा बेटा जी? ट्यूबर। ये वेजिटेटिवली प्रोपोग्यूट करेंगी बाय द हेल्प ऑफ ट्यूबर। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका राइजोम। क्या पढ़ेंगे बेटा? राइजोम ऑफ जिंजर एंड बनाना। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट द सेकंड टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज राइजोम। जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बेटा,
आपका अंडरग्राउंड स्टेम, उसमें दूसरा है बेटा आपका राइजोम। और राइजोम बेटा दो चीजों में हम पढ़ेंगे, राइजोम जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, एक तो बेटा जिंजर जिसको हम अदरक बोलते हैं, और दूसरा बेटा जी बनाना। अब कई लोग सोचेंगे कि बनाना नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बेटा। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे जहां ये सारी चीजें दे रखे उसके नेक्स्ट पेज पे, तो आपको मिलेगा। मैं दिखाऊंगा इसी पर्टिकुलर लेक्चर में, एनसीईआरटी पढ़ के भी दिखाऊंगा कि कहां दे रखा है। तो याद रखिएगा, राइजोम पाया जाता है जिंजर और बनाना में। जरा मुझे एक चीज बताइएगा बेटा जी, जैसे आप स्टेम पढ़ते हो, जैसे कोई भी सिंपल सा प्लांट है, मान लो ये कोई प्लांट है, ये इसकी क्या हो गई, रूट हो गई बेटा जी, ये इसका स्टेम हो गया, ये इसकी ब्रांचेस और ये लीव्स हो गई, क्लियर है बेटा। स्टेम के अंदर में जगह जगह जहां से आपका ये ब्रांचेस निकलेंगी, स्टेम के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स। एक नोड, फिर दूसरा नोड, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटर नोड। तो मुझे बस ये बताइए बेटा जी, ये जो नोड है ये किसका कैरेक्टर है? तो आप बोलोगे सर नोड आर बेसिकली फाउंड इन स्टेम, स्टेम में ही पाए जाते हैं ना भाई, और कहीं नहीं पाए जाएंगे ना, स्टेम में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जब आप जिंजर को देखोगे, जिंजर देखो बड़ा मजा आता है जिंजर को देखने में, जैसे मैं चारों तरफ से फैला हुआ ना, ये भी कहीं से भी कैसे भी फैल जाता है। कौन? जिंजर फैला कहीं से भी, कभी देखो इधर 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 उल्टे सल्टे कहीं भी फैल जाता है, जैसे मैं फैला हुआ हूँ वैसे काफी फैल चुका हूँ, ठीक है जी, सेम मेरी तरह चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन बात क्या ध्यान देने वाली है समझिएगा, जब आप इसको ध्यान से देखोगे जिंजर को, तो इसमें कुछ इस तरह की लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि मैंने बनाया हुई है। ये क्या है बेटा जी? ये कुछ और नहीं है, ये है नोड। क्या बेटा जी? नोड। तो ये चीज आपको दर्शाता है कि बेटा ये कहां से बना है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही बना हुआ है। यानी यहां पे भी स्टेम का अंडरग्राउंड में होगी, ग्राउंड यानी कि ऑब्वियसली ग्राउंड के नीचे होगी, और वहां पे स्टेम के अंदर में जो नोड्स, ये आपके पार्ट्स दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा जी? ये बेसिकली नोड रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप ये लाइनिंग देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोड। इसका मतलब आपको पता चल गया कि बेटा जी ये भी आपका किस चीज का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि नोड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। क्लियर है जी? तो यहाँ पे आप देखोगे जिंजर को देखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पॉट दे रखे हैं बेटा, जहाँ पे देखता है जिसको बल्ब बड्स लिख रहा है, बड्स भी बोल सकते हो आप, राइजोम भी बोल सकते हो, जहां से यहाँ से एक, जब आप उसको क्या कर कट करके एक नया नई जगह लगाओगे तो एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है जी? ये जो है एडवेंटेशियस रूट, एक छोटी सी रूट यहाँ दिखा रहा है एडवेंटेशियस रूट। जरा आपको ध्यान होगा जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो देखो सीड है, सीड के दो पार्ट होते हैं, सीड का एक पार्ट होगा बेटा जिसको हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल। क्या कहते हैं बेटा जी? प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल से बेसिकली जो भी पार्ट्स डेवलप होंगे, प्लीम्यूल डेवलप कराता है बेटा सूट को, किसको डेवलप कराएगा? सूट को। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट कॉटिलीडन या सीड, उसको बोलते हैं बेटा रेडिकल, R for radical और R for root। तो बेटा radical जो है वो root को develop कराएगा। अगर मान लीजिए radical से root develop हुआ, किससे develop हुआ? इस radical से root develop होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे true root। क्या बोलेंगे? True type of root। क्लियर है? लेकिन बेटा जी अगर root develop नहीं हुआ, इस रेडिकल से नहीं डेवलप हो रहा है, कहीं और से डेवलप हो रहा है, तो यहां पे जो रूट आपको देखने को मिल रहा है किसमें मिल रहा है? स्टेम, क्योंकि मॉडिफिकेशन किसका है? स्टेम का। तो ये रूट से तो नहीं है ना भाई, रेडिकल से तो नहीं है ना। तो एनी रूट, जरा ध्यान से कहीं पे आप लिख लीजिएगा, इफ रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, अगर रेडिकल से अराइज करेगा जो अभी बनाया था मैंने, इफ रूट इज अराइजिंग फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ सीड, ठीक है, या कॉटिलीडन, तो उसको बोलेंगे ट्रू रूट। बट इफ द रूट इज अराइजिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट
रेडिकल को छोड़ के कहीं और से हो रहा है, जैसे यहां पे कहां से हुआ, स्टेम से हुआ, क्लियर है। तो अगर रेडिकल को छोड़ के कहीं और से होगा तो उसको हमने बोल दिया एडवेंटेशियस रूट। कौन सा रूट इसमें पाया जा रहा है बेटा जी, एडवेंटेशियस रूट। मैंने एग्जाम्पल बता दिया, क्लियर है जी। आपका राइजोम पाया जाता है जिंजर और बनाना के अंदर में, क्लियर है बेटा जी। इस बड्स को आप राइजोम भी बोल सकते हैं, बट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज राइजोम, क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा ट्रिक याद करने के लिए। तो जैसे आर बी सी होता है ना, आर बी सी, आर बी सी, अर बेटा रेड ब्लड सेल, यहाँ आप आर बी जी याद कर लो, आर बी बस सी के जगह पे क्या याद कर लो, जी याद कर लो। आर फॉर, बताइए बेटा जी, राइजोम, क्या हो गया बेटा, राइजोम। बी फॉर बनाना, किसमें पाया जाएगा, बनाना। और जी फॉर जिंजर, क्लियर है जी। तो आप याद कर लीजिएगा आर बी जी, नॉट आर बी सी, आर बी जी, यानी राइजोम पाया जाएगा बनाना और जिंजर में, क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिए। तो दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया ट्यूबर जो कि आपके डीपीटी, कैसे याद कर सकते हैं, डहलिया और फिर पोटैटो में क्या पाया जाएगा, ट्यूबर। राइजोम पाया जाएगा दो जगह में, जिंजर और बनाना में, ये चीजें मैंने बता दी। पेरिनियल, हाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ने पेरिनियल नहीं बनाया, बताया। देखिए देखो बहुत प्रकार के प्लांट होते हैं, जैसे मोनोकार्पिक, बाइनियल। बाइनियल ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने लाइफ सर्किल दो ईयर में या दो सीजन में कंप्लीट करते हैं, उनको बाइनियल बोलते हैं। पेरिनियल ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना लाइफ सर्किल मोर ईयर्स में, यानी कि दो ईयर से ज़्यादा में कंप्लीट करते हैं, या फिर बेटा जी वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, किसी भी सीजन में पाए जाते हैं, तो उनको ये हमेशा अवेलेबल वाले प्लांट है, इसको बोला पेरिनियल प्लांट्स। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं पेरिनियल का मतलब, दीज आर दोज प्लांट्स विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ सर्किल इन मेनी ईयर्स या मोर देन टू ईयर्स। टू ईयर से ज्यादा में अगर इनकी लाइफ सर्किल कंप्लीट हो रही है, या टू सीजन से ज्यादा में इसकी लाइफ सर्किल कंप्लीट हो रही है, दो ईयर या दो सीजन में, ठीक है, दो ईयर या दो सीजन से ज्यादा इनकी लाइफ सर्किल है, तो उसको बोलेंगे पेरिनियल प्लांट। तो ये आपका पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि हमेशा ये पाई जाती है, क्लियर है जी। द लास्ट पार्ट दैट इज व्हाट, बल्ब। अंडरग्राउंड स्टेम में एक पार्ट रह गया है, दैट इज बल्ब। पहले इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें ध्यान से ट्रिक के साथ में। डीपीटी यानी कि डहलिया पोटैटो में ट्यूबर पाया जाएगा भैया, और ये अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है जी। राइजोम बनाना में, राइजोम पाया जाएगा बनाना और जिंजर में, क्लियर है जी। और मैंने आपको बता ही दिया कि एक्चुअली में राइजोम है क्या। देखिए बेटा जी, द लास्ट पार्ट दैट इज द बल्ब, क्या बोला बेटा जी, बल्ब। अरे बल्ब, जैसा आपके घर में जो ट्यूबलाइट बल्ब होते हैं ना, बल्ब 100 वाट का जो बल्ब होता है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इन सारे प्लांट्स का भी अगर बोल देंगे। जैसे कि अगर बोलें भैया प्याज, जो आजकल काफी महंगी बिक रही है बेटा जी, क्लियर है जी, वो कैसी दिखती है, बल्ब की तरह। फिर लहसुन, ये भी कैसा दिखता है बेटा, बल्ब की तरह। इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ बल्ब की तरह होता है। तो इनको अगर आप देखोगे बेटा जी, तो यहाँ पे जो स्टेम होती है ये कुछ अंडरग्राउंड में एकदम धस के नहीं जाती, ये बेसिकली किस तरह से फ्लैट रहती है। तो ये देखिए, ये आपकी स्टेम है जो ग्राउंड के नीचे होगी। ये जो ये मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, क्लियर है जी। तो ग्राउंड के नीचे में फ्लैट कैसी होगी बेटा, फ्लैट चौड़ी, ठीक है जी, एकदम फ्लैट, फ्लैट डिस्क शेप की अंडरग्राउंड स्टेम होगी, क्लियर है। जो ऊपर वाला पार्ट जो आप देखते हो सफेद कलर का, लाल लाल कलर का या सफेद कलर का जो भी बोलो, तो बेटा वो क्या होती है, ऊपर जो होती है ना वो फ्लैसी लिप्स होती हैं, वो स्टेम नहीं होती है, वो फ्लैसी लिप्स होती हैं। तो ऊपर क्या होता है बेटा, फ्लैसी लिप्स। और बेटा चूंकि यहाँ जो यहाँ रूट जो है कैसे है, कहाँ से है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से आया है। तो भैया रूट कौन सा होगा, एडवेंटेशियस रूट, ट्रू रूट यहाँ भी नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज बल्ब, इसको बोलते हैं बेटा बल्ब, याद रखिएगा। इसको याद कर सकते हैं बेटा जॉब से, जी ओ बी, जॉब, क्या बेटा, जॉब। जी से बताइए गार्लिक, ओ से ओनियन, इनमें क्या पाया जाएगा बेटा, बल्ब, क्या पाया जाएगा बेटा, बल्ब। तो याद रखिएगा अंडरग्राउंड स्टेम के तीन मॉडिफिकेशन है, पहला ट्यूबर, सेकेंड राइजोम, थर्ड देयर विल बी द बल्ब। पहला हमने पढ़ा ट्यूबर, क्लियर है जी बेटा,
जहां पे स्टेम अंडरग्राउंड होगा और उसकी ब्रांचेस के एंड पे स्वेलन हो जाएगा, किसमें, ट्यूबर में, दैट इज नोन एज द ट्यूबर, डहलिया में और पोटैटो में, DPT, डहलिया पोटैटो में क्या पाया जाएगा, ट्यूबर। सेकेंड हमने पढ़ा राइजोम, दो जगह पाया जाएगा, राइजोम ऑफ जिंजर और बनाना। तो क्या क्या मैंने बोल दिया ट्रिक है, RBC नहीं RBG है, R से राइजोम, B से बनाना और G से जिंजर। थर्ड दैट विल बी द बल्ब, यानी बेटा यहाँ पे जो स्टेम होगी वो अंडरग्राउंड होगी, लेकिन यहाँ स्टेम फ्लैट होगी, स्टेम क्या होगी बेटा, फ्लैट फ्लैट होगी, क्लियर है, और ये अंडरग्राउंड होगी और इसका स्ट्रक्चर जो होगा, लीव्स जो अरेंज होंगे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बल्ब लाइक ऑफ ओरिएंटेशन, क्लियर है जी। दो में पाया जाएगा किस किस में, तो याद करने के लिए मैंने जॉब बना दिया, GOB, जी से गार्लिक यानी कि लहसुन, भैया ओ से ऑनियन और भैया बी से बल्ब, क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे बेटा, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी आप करते रहे, देखो बेटा मतलब तो नहीं है लेकिन हाँ बेटा जब आपको याद करना होगा तो ये सारी उलझुल की हरकतें ही याद आती हैं और जिससे आपका क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा, क्लियर है जी, जरा इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा जी, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए बेटा जी नेक्स्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज द सब एरियल स्टेम। अब ये सब एरियल स्टेम का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा, सुनिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्लांट है, सपोज कर लीजिए ये कोई एक प्लांट है भाई साहब, ये कोई एक प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये इसकी रूट है, क्लियर जी, ये इसका स्टेम पार्ट है, ठीक है जी। कुछ जो होता है यहाँ पे, वैसे स्टेम जो होगी वो ग्राउंड के नीचे तो तभी नहीं होगी, लेकिन कुछ पार्ट जो होगा स्टेम का वो क्राउल करता हुआ नजर आएगा, किसके, आपके आपका ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर में ये क्राउल करते हुआ स्टेम आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है जी। तो इस टाइप ऑफ स्टेम को क्या बोलेंगे, सब एरियल स्टेम, क्या बोलते हैं बेटा जी, सब एरियल स्टेम। वैसे ग्राउंड के नीचे रहता तो अंडरग्राउंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ है, ग्राउंड के ऊपर क्राउन करता हुआ जा रहा है, दैट इज नोन एज द सब एरियल स्टेम। तो सब एरियल स्टेम में बेसिकली बेटा जी हम तीन मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो इसको मिटा देता हूँ जरा, क्योंकि आपको सब एरियल तो समझ में आ गया कि क्या होगा सब एरियल, क्लियर है, इसको जरा बना लीजिएगा बेटा। सब एरियल जो स्टेम है बेसिकली ये तीन मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा बेटा, पहला जो होगा ऑफसेट, दूसरा जो होगा ऑफसेट सकर या सकर, सेकंड देयर विल बी द सकर, एंड थर्ड आई थिंक थर्ड विल बी ऑफसेट सकर या रनर, थर्ड विल बी रनर। ये तीन मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे सब एरियल स्टेम के अंदर में, क्लियर है जी, दिख रहा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, ये तीन मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे सब एरियल स्टेम में, पहला है ऑफसेट, सेकंड है सकर, थर्ड होगा रनर, इसको हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्लियर है जी। चलिए बेटा जी सबसे पहला पार्ट देखते हैं बेटा, जो दे रखा है दैट इज ऑफसेट, क्या दे रखा है बेटा जी, ऑफसेट। बेटा मैं कैसे याद कर सकता है, ऑफसेट को देख के मैं बड़ा अपसेट हो जाता था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था, एकदम अपसेट हो गया, पूछो कैसे अपसेट हो गया, क्यों, क्योंकि बेटा जी इस ये जो ऑफसेट पाया जाता है बेसिकली एक्वेटिक प्लांट के अंदर में पाया जाता है, जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, या इसी को बोलते हैं बेटा जी, जिसका साइंटिफिक नेम है इकोनिया क्रेसिपिस, क्लियर है जी, इकोनिया क्रेसिपिस नाम का एक प्लांट होता है बेटा जी, जिसके अंदर में ऑफसेट पाया जाता है। बेसिकली ये जो प्लांट है ना बेटा, प्लांट सब लोगों ने इसको विदेश से मंगाया था बहुत ही प्यार से, क्योंकि इसके फ्लावर बड़े ही प्यारे होते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं, कलरफुल होते हैं, क्लियर है जी, और साथ साथ में इसकी लीव्स बड़ी ब्रॉड होती है। तो बेटा इसको बाहर से हमने मंगाया था, यानी यूरोपियन कंट्रीज, कहीं किसी कंट्री से, अमेरिकन कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से इसको हमने मंगाया था, ठीक है,
ऑब्वियसली उस समय क्या होता बेटा, जो हमारा सिप यानी पोर्ट वाले इलाके थे उस समय ज्यादा फंक्शनल हुआ करते थे। तो ये आके उतरा कहाँ पे बेटा, बंगाल में। और जब इसको बंगाल में इसकी खेती की गई बेटा जी, ये इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि वहां आसपास के जितने भी नदी नाली गुच्छे थे जहां वाटर पाया जाता था, उन सबके अंदर में मछलियां जो पाई जाती थी वो मरने लगी। क्यों मरने लगी बेटा? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो ये वाटर हाइसिंथ है, ये बहुत ही फिनोमिनल रेट पे वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है इसमें, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर में जो बेटा ये ऑफसेट होता है, ये ऑफसेट की मदद से इतनी तेजी से फैलता है आपके चारों तरफ। ये बंगाल में पहली बार आया और चारों तरफ जो बंगाल का रीजन था जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सारे जहाँ पे भी स्टैग्नेंट वाटर था सभी के सभी जगह पे बहुत ही तेजी से फैल गया। और बेटा फैल गया तो ये ऑक्सीजन को लेने लगा। क्या करेगा बेटा? ऑब्वियसली ज्यादा फैलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगा। और बेटा आप खुद सोचिए, वैसे ही वाटर में कितना कम ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गई, एट पार्टिकुलर लोकेशन पे कमी हो गई किस चीज की, ऑक्सीजन की, और बेटा मछलियां मरने लगी। तो ये इससे बहुत सारे लोग अपसेट हो गए कि इस बेचारे को हम ले आए थे इंडिया में इसके फ्लावर की वजह से और इसके फ्रूट सॉरी सेब, जो लीफ का सेब था उसकी वजह से, और ये इतनी तेजी से फैल गया। तो इसको बोला गया बेटा जी इन्वेसिव वीड, यानी बहुत ही तेजी से फैलने वाला वीड है आपका ये, कौन सा बेटा, वाटर हाइसिंथ या इकोर्निया क्रेसिपिस। तो ये ऑफसेट होता क्या है जरा सुनिएगा, एक ध्यान से बात सुनिएगा। देखिए ये वाटर है, देखिए तो सब एरियल स्टेम जो होती है ना बेटा, वो वाटर के सरफेस पे भी क्रीप कर सकती है, क्राउड कर सकती है, और ग्राउंड पे भी कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल ग्राउंड पे करेगी भाई, वाटर सरफेस पे भी कर सकती है। क्लियर है? तो ये मान लीजिए आपका ये वाटर सरफेस है, क्लियर है जी। यहाँ एक मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ को यहाँ पे इम्प्लांट किया या प्लांटेशन किया उसने, हम लोगों ने कर दिया। ये मान लो उसकी लीफ है, प्यारी सी लीफ, बड़ी बड़ी लीफ है। ये इसके रूट है, कौन से, वही एडवेंटेशियस रूट ही होंगे, क्लियर है जी। अब क्या करता है बेटा जी, सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका वाटर हाइसिंथ है, ये वाटर हाइसिंथ की लीफ हो गई, ये रूट हो गया, तो ये हमारा क्या है, वाटर हाइसिंथ, क्लियर है जी। आफ्टर सम टाइम इस वाटर हाइसिंथ से बेटा क्या ग्रो होगा, ऑब्वियसली एक मोटी सी, मोटी मतलब थिन, थिन स्टेम का एक इलोंगेशन निकलेगा बेटा, और फिर आपके ये जाके टच करेगा किसको, ग्राउंड सरफेस को, वाटर सरफेस को, ग्राउंड तो है नहीं यहाँ पे, वाटर है, वाटर सरफेस को टच करेगा। और बेटा जहां पे ये टच करेगा ये उसका क्या होगा बेटा जी, नोड, बेसिकली वहां पे नोड होंगे, नोड पे ये टच करेगा और इसी नोड से एक नया फिर से आपका वाटर हाइसिंथ डेवलप करेगा, फिर ये आपका हो गया रूट और ऊपर हो गया लीफ, ये हो गई बेटा लीफ और नीचे हो गई रूट। फिर आपका यहां से जो स्टेम है वो मॉडिफाई होगा और क्लाउड करते हुए ये आपका यहाँ जाएगा, और फिर एट अ नोड, नोड मतलब एट अ प्लेस, स्टेम है भैया, स्टेम, स्टेम है ना भैया, स्टेम है, स्टेम है ना भाई, तो स्टेम में क्या होगा, नोड, क्या होगा, नोड। तो जैसे ही ये स्टेम फैलेगी नोड आएगा, नोड टच करेगा सरफेस को और फिर वहां से लीफ और नीचे रूट, फिर थोड़ा आगे गए फिर उसने टच किया ऊपर लीफ और नीचे, ऊपर क्या हो गई, ये बढ़िया बढ़िया लीफ हो गई, ठीक है जी, और ये आपका रूट हो गया। सो जो ये आपको बीच में दिख रहा है बेटा, जो दिख रहा है, जो क्राउल कर रहा है वाटर के सरफेस पे, यही है बेटा आपका ऑफसेट, जिसकी वजह से हम बड़े अपसेट हैं। ऑफसेट ये बेसिकली क्या होता है बेटा जी, थिक होगा, क्या होगा बेटा, काफी मोटा होता है, क्लियर है जी। और जनरली ये कहाँ पाया जाएगा, एक्वाटिक प्लांट में ही पाया जाता है,
जनरली आपके एक्वेटिक प्लांट्स में ही पाया जाएगा, क्लियर है जी। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, जहां जहां नोट्स होगा उसको, जहां जहां उसकी नोट्स पड़ेंगे, यानी वो ऑफसेट का जहां जहां नोट आएगा, एट एवरी नोड इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड रूट। हर नोड पे देखिए, यहां पे नोड है, यहां पे नोड है, हर नोड पे ये क्या करेगा बेटा जी, हर नोड से क्या निकाल देगा, लीफ को और रूट को। बेसिकली ये जहां से ग्रो कर रहा है, यहाँ पे क्या बेटा इसका नोड है, क्या बेटा जी, जहां से ये ग्रो कर रहा है, जहां पे ये है, ये स्टेम का क्या है, नोड है, क्लियर है जी। सो आप याद रखिएगा, दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन सब एरियल स्टेम इज नोन एज व्हाट वी कॉल इट एज ऑफसेट, और जिसकी वजह से हम बड़े अपसेट हैं। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, फाउंड इन किसमें पाया जाता है, वाटर हाइसिंथ, जिसका साइंटिफिक नेम है इकोनिया क्रेसिपिस। इट इज एन इनवेसिव वीड, वीड क्यों कह रहा है बेटा, क्यों, क्योंकि बेटा ये हमारे काम लायक नहीं रह गया। वीड है, वीड का मतलब क्या होगा, अननेसेसरी ग्रो करता, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फाउंड ग्रोइंग इन स्टेग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी में, ऑल्सो नोन एज स्कोरेज और ऑफ वाटर बॉडी। बेसिकली ये ज्यादा फैला हुआ था आपके कहाँ पे बेटा जी, बंगाल में, तो इससे सारे लोग डर गए, क्योंकि तो मछलियाँ पालन बहुत ज्यादा होता है बंगाल में, मछली ज्यादा लोग खाते हैं। अब जो लोग मछली पालन कर रहे हैं वहां पे, उनको ये फ्लावर लगाया होगा, उनकी मछलियां तो मर गई ना बेटा, तो इसलिए इसको बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। इसको बोला गया बेटा वाटर हाइसिंथ को। ये क्या करता है, ऑक्सीजन ले रहा है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज विच लेड टू द डेथ ऑफ द फिशेस। दिस प्लांट वॉज ब्रिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम। इनको बेटा जब आप निकालना चाहोगे ना बेटा, बहुत, अब ये एक लंबी, क्या बोला, ऑफसेट क्या है, काफी मोटा है, तो बेटा ये निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्लियर है जी। तो बहुत जल्दी आप इससे क्या नहीं, उबर नहीं पाओगे, क्लियर है जी, इसीलिए इसको बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। तो ये एक स्टोरी दे रखी थी, दैट्स वाई इतना टाइम लगा, ऑफसेट की स्टोरी दे रखी है आपकी बुक में, क्लियर है जी। तो याद रखिएगा टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, वाटर हाइसिंथ या इकोनिया क्रेसिपिस को, क्लियर है जी। ऑफसेट मैंने बता दिया क्या होता है, क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा सकर और रनर, क्लियर है जी। चलिए बेटा जी, तो हमने अभी पढ़ा कि भैया ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और सुना है ना, तो WHO से आप याद कर सकते हैं, W से आपका वाटर, H से हाइसिंथ, और इनके अंदर में क्या पाया जाएगा बेटा जी, ऑफसेट। सिंपल सा एकदम बेटा, ये जो ऑफसेट है ये कहाँ पाया जाता है, वाटर इकोसिस्टम में, अभी पढ़ा एक्वेटिक प्लांट में, वाटर या एक्वेटिक प्लांट में अभी हमने पढ़ा, क्लियर है जी। कैसे था, देखिए ये कोई आपका वाटर हाइसिंथ था, ये इसकी रूट्स हो गई एडवेंटिशियस रूट। अब यहां से क्या निकल रहा था बेटा जी, एक आपका सब एरियल स्टेम निकल रहा था और यहां पे जा रहा था नोड, फिर निकल रहा था और कहां पे जा रहा था, ये इसका नोड, हर नोड पे ये देखिए, ये इसको हमने बोला ना, ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस, हर नोड पे ये जाके क्या उगा देगा, ऑब्वियसली लीफ उगा देगा, और क्या उगा देगा, रूट उगा देगा, एडवेंटिशियस रूट, जो भी रूट है, ये लीफ और ये आपका रूट। तो हमने यहां पे ये ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा, कहां देखा, वाटर लेवल पे देखा, एकदम सिमिलर ऐसे ही होती है आपकी दूब या जो ग्रास होती है बेटा। मैं भी बचपन में क्या करता था, कुछ ग्रासेस को खा जाता था, क्योंकि कुछ ग्रासेस ऐसी होती है, ऐसा नहीं कि जंगल में जाके चलने लगना, ठीक है। साइनोडोन जो ग्रास होती है, आई थिंक नेम नहीं है, ग्रास जो होती है, जो आपके गार्डन ग्रास होती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको खाने से थोड़ा डाइजेशन सही होता है, क्लियर है जी।
तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली एकदम जैसे ही है ना आपका ऑपसेट, ऑपसेट वाटर में है, रनर ग्राउंड पे हो जाएगा एकदम। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपका हो गया ग्राउंड सरफेस, क्लियर है जी। तो रनर बेसिकली पाया जाता है बेटा, याद कर लीजिएगा, रनर फाउंड होता है इन ग्रासेस, ग्रास के अंदर में रनर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रास है, क्लियर है जी, ये कोई क्या बेटा ग्रास है। अब इस ग्रास का जो स्टेम होगा यहां पे, ये स्टेम क्राउल करते हुए यहां पे जाएगा, फिर एट दिस नोड एक नया ग्रास आपको मिल जाएगा, फिर इसी तरह से यहां पे गया नोड पे, फिर एक नया ग्रास आपको मिल गया। सो दिस टाइप ऑफ, भाई देखो इसको भी देखो उसको भी देखो, दोनों लगभग सेम दिख रहे होंगे भाई, ऑब्वियसली यहां भी रूट होगा, यहां भी रूट होगा, यहां भी रूट होगा, क्लियर है जी, क्लियर है। तो एक जैसे लग रहे हैं भाई जी, बस ये कहां है वाटर पे और वो कहां बेटा ग्राउंड के ऊपर में। सो याद रख लीजिएगा, दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज रनर, और रनर बेसिकली पाया जाता है किसके अंदर में बेटा जी, ग्रास के अंदर में। तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, आरजे, आरजे, आरजे होता है ना, आरजे, क्लियर है जी। तो आर फॉर रनर, और रनर्स किस में पाए जाएंगे बेटा, ग्रास के अंदर में पाए जाएंगे। ये दोनों तो मुझे याद हो जाता, ऑफसेट आपका ऑफसेट हो गए तो उससे याद हो गया ऑफसेट, और भैया रनर भी याद हो गया आपकी धूप, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है, क्लियर है, वो ग्राउंड के सरफेस पे है, ये आपके वाटर सरफेस पे है। लेकिन बेटा सकर, सकर को थोड़ा याद कर लेना यार, सकर वैसे याद कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, SC, यानी कि क्राइसेंथेमम एक प्लांट है, उसमें पाया जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, इस प्लांट के अंदर में क्या होता है बेटा, जैसे ये कोई प्लांट है, इसके लीव्स हैं, फ्लोरल बड्स हो गए, इनके अंदर में स्टेम बेटा ग्राउंड के अंदर जाता है, और फिर यहां पे आती हैं रूट्स। अब ये जो स्टेम वाला पार्ट आपको दिख रहा है जो ग्राउंड के नीचे गया हुआ है, ये ऑब्लिकली निकलता है, ऑब्लिकली ग्रो करेगा, और ये आके इस सरफेस पे ग्राउंड पे आ जाएगा, इस सरफेस पे यहां पे आ जाएगा, यहां पे इनका क्या होगा नोड्स, क्लियर है जी। और बेटा जी यहां से पार्टिकुलरली ये एक नए नया प्लांट को ग्रो कर देता है, ये भी एक नया प्लांट को ग्रो कर देगा। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है स्टेम की, ये ऑब्लिक ग्रोथ है बेटा जी। अब कई लोग सोचेंगे कि बट सर ये तो अंडरग्राउंड में आएगा, नहीं, यहाँ बेटा स्टेम जो है ना, स्टेम खुद को मॉडिफाई करती है, ऑब्लिकली ग्रो कराती है ऐसे और ऐसे, और वो जाती है ग्राउंड पे, और जो नया प्लांट आएगा वो इसी की वजह से आएगा। सो यहाँ क्राउलिंग की वजह से यहाँ भी आपका नया प्लांट आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज सकर, इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, सकर। और सकर पाया जाता है आपके क्राइसेंथेमम में, क्राइसेंथेमम प्लांट में पाया जाता है, इसको आप याद कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट से बेटा जी। कैसे याद कर सकते हैं, सुप्रीम, SC, सुप्रीम कोर्ट, एस से सकर, और सकर किस में पाया जाएगा बेटा बताइए, सकर पाया जाएगा आपके क्रिजेंथेमम में, क्रिजेंथेमम, बेटा स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा, क्रिजेंथेमम में पाया जाएगा, क्लियर है जी। जरा इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा गहरे अक्षरों में कि ऑफसेट पाया जाएगा वाटर हाइसिंथ में, WHO एक ट्रिक बना दी, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट पाया गया, सकर सुप्रीम कोर्ट से याद कर लेंगे, सकर में क्या, सकर किस में पाया जाएगा आपके क्रिजेंथमम में, रनर किस में पाया जाएगा याद कर सकते हैं आसानी से, कहाँ पाया जाएगा बेटा ग्रास के अंदर में, RJ से याद कर सकते हैं, क्लियर है जी। इन बातों को आप नोट डाउन करेंगे। अब हमारा बचा हुआ है दैट इज, चलिए बेटा जी द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द एरियल स्टेम। बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्टेम के अंदर में हमने स्टार्ट किया था अपना
जो सफर है वो स्टार्ट कहाँ से किया था बताइए, बोलो बेटा कुछ तो बताओ। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की अंडरग्राउंड स्टीम के बारे में, जहां पे हमने तीन चीजें पढ़ी, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। यानी बेटा तीन चीजें, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब, ये किस चीज के मॉडिफिकेशन थे? अंडरग्राउंड स्टेम के। फिर हमने पढ़ा सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में अभी हमने क्या पढ़ा था बताइए बेटा जी? ऑफसेट पढ़ा। अरे पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऑफसेट पढ़ा। ऑफसेट के बाद में हमने रनर पढ़ा, फिर हमने सकर पढ़ा। अब हम आ जाते हैं बेटा जी नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट, दैट इज द एरियल स्टेम पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा जी? बोलेंगे एरियल स्टेम। यानी बेटा जी बेसिकली ये जो एरियल, जैसे आप लोग जानते हो बेटा सुगर कैन, कभी आपने देखा होगा सुगर कैन, ये एक सुगर कैन है। ठीक है जी? ठीक बेटा, इसके हर एक नोड, भाई स्टेम है, स्टेम में बेसिकली नोड होते हैं, हर एक नोड पे छोटे 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 एडवेंटिशियस रूट लगे होते हैं आपके। क्या लगे होंगे? एडवेंटिशियस रूट लगे होते हैं। तो ये हर नोड पे क्या लगे हुए हैं? एडवेंटिशियस रूट लगे होते हैं। और हर नोड के पास में बेटा यहाँ पे साइड में छोटे 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 क्या होते हैं बेटा? बड्स। इनमें क्या किया जाता है सुगर केन के केस में? क्या किया जाता है बेटा जी? सिमिलर सिंपली क्या करेंगे सुगर केन के केस में? सिंपली कुछ नहीं करते बेटा जी। जो स्टेम आपकी एयर में है, यानी कि ऊपर ग्राउंड से ऊपर जो स्टेम है, किसी एक स्टेम को काट लिया, उसके ऊपर वाले पार्ट को काट लिया, इस पार्ट को, इसके नोड को काट के अलग कर लिया। क्लियर है जी? अब ये इस पार्ट को आप ले जाके कहाँ रख दो? ग्राउंड में लगा दो। ठीक है जी? ग्राउंड में डाल दो। उस ग्राउंड से बेटा जी एक नया सुगर केन आपको मिल जाएगा। सो दिस, भाई यहाँ पे काटा क्या है? ऑब्वियसली स्टेम, और वो कहाँ बेटा? एयर में थी। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन फाउंड होता है आपके, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपके पाया जाता है सुगर केन में। सो सुगर केन बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली बाय द हेल्प ऑफ एरियल स्टेम। कौन सी स्टेम बेटा जी? जो स्टेम उसका ऊपर वाले ग्राउंड के ऊपर में होता है, उस स्टेम में से कितने सारे टुकड़े कर दीजिए, सबके पास में साइड में क्या होता है? बड होता है। फिर ठीक है जी, और वो बड डेवलप करके एक नया सुगर कैन आपको बना के दे देगा। क्लियर है जी? सो याद रखिएगा सुगर कैन में क्या पाया जाता है बेसिकली? सुगर कैन, या पूछेगा कि सुगर कैन बेसिकली किस तरह से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा बाय द हेल्प ऑफ एरियल स्टेम की मदद से। तो एरियल स्टेम की मदद से पूरा एक स्टेम काट के हमने लगा दिया। क्लियर है जी? नेक्स्ट इसी के अंदर में बेटा जी, सॉरी ये एरियल स्टेम, ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि यहां तक हमारा स्टेम की बातें हुई थी। फिर एक और बताया था कि स्टेम के अंदर में एक और मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। पहला हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें हमने तीन चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ा बेटा? आपका ट्यूबर, राइजोम और बल्ब पढ़ा। क्लियर है? फिर बेटा हमने बोला था कि आपका सेकंड जो आएगा दैट इज सब एरियल। यहां पे भी हमने तीन पढ़ा, पहला ऑफसेट पढ़ा, फिर पढ़ा बेटा रनर, फिर क्या पढ़ा बेटा? सकर, और अभी हमने पढ़ा बेटा एरियल स्टेम। सो याद रखिएगा एरियल स्टेम से कौन वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा? तो याद रखिएगा बेटा जी सुगर कैन, सुगर कैन। क्लियर है? अब जो लास्ट मैंने बोला था कि बेटा स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है आपका बुलबिल, बुलबिल, बुलबुल, बुलबिल। कौन है बेटा जी? बुलबिल। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टेम है और ये बुलबिल क्या होता है जरा इसको हम देख लेते हैं।
सुनिएगा, बेसिकली सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है बेटा, बुलबिल जो होता है बेटा ये स्टेम का मॉडिफिकेशन तो है, लेकिन ये किस में पाया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका फिगर भी दे रखा है, अभी मैं दिखाऊंगा भी। बुलबिल पाया जाता है बेटा अगावे में, AGAVE, बुलबिल ऑफ अगावे, ये एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दे रखा है। तो इसमें होता क्या है, सपोज करिए बेटा ये बुलबिल का कोई प्लांट है, ठीक है जी, बेटा जहां पे फ्लोरल एक्सिस होती है उस फ्लोरल एक्सिस के जगह पे आपका उसी के आसपास में बेटा एक फ्लैसी बर्ड का डेवलपमेंट होता है। किस चीज का बेटा, एरियल फ्लैसी बर्ड का डेवलपमेंट होगा, यह है एरियल फ्लैसी बर्ड का डेवलपमेंट होगा। फिर ये बर्ड जो होगी ना बेटा, ये फ्लोरल एक्सिस तो है और उसके पास में तो है, लेकिन इससे फ्लावर नहीं बनेगा। ये कुछ समय बाद ये जो एरियल फ्लैसी बर्ड है ये टूट के ग्राउंड पे आ जाएगा, फॉल डाउन करेगा, ये क्या करेगा बेटा फॉल करेगा, और फॉल करके आपके आ जाएगा ग्राउंड पे। क्लियर है जी, ये जो एरियल फ्लैसी बर्ड है जिसको हुई, इसी एरियल फ्लैसी बर्ड को ही हम कहते हैं बेटा जी बुलबिल। क्या बोलते हैं बेटा जी, एरियल फ्लैसी बर्ड इज नोन एज बुलबिल। ये कुछ समय बाद टूट के आपके ग्राउंड पे आ जाएगा, और ग्राउंड पे आने के बाद एक नया आपका प्लांट बना लेगा। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज बुलबिल। तो याद रखिएगा बुलबिल क्या है, एरियल फ्लैसी बर्ड है, वो फ्लैसी बर्ड है जो आपके मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होगा और ग्राउंड पे आ जाएगा और फिर एक नया प्लांट बना लेगा। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज द बुलबिल। और बुलबिल पाया जाता है अगावे में, किसमें पाया जाएगा बेटा जी, अगावे में। तो याद कर लेंगे इसको ए और बी से, ए बी से, ए बी मतलब भाई अगावे है, अगावे में क्या पाया जाएगा बुलबिल, क्या पाया जाएगा, जो कि एक फ्लैसी बर्ड है जो डेवलप करके बना लेता है नया प्लांट। क्लियर है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ व्हाट, मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ स्टेम। क्लियर है जी, अब हम लास्ट में पढ़ेंगे दैट इज मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ लीफ। वैसे आपके एनसीईआरटी में रूट के बारे में नहीं दे रखा है, तो हम भी यहाँ 12 में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रूट का जो भी मॉडिफिकेशन है वो हम 11th वाले पार्ट में करेंगे। तो एक जो लीफ के बारे में डिस्कस किया गया दैट इज नोन एज द ब्रायोफाइलम, उसके बारे में मैं जरा डिस्कस कर देता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन। चलिए बेटा जी, एक रह गया है दैट इज द लीफ के अंदर में जो मॉडिफिकेशन होता है, यानी बेटा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपके लीफ में पाया जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है बेटा, ये तो हम 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज ब्रायोफाइलम। तो ये एक लीफ है किस प्लांट का बेटा जी, ब्रायोफाइलम प्लांट का ये एक लीफ है। इस लीफ के जो मार्जिन होते हैं, मार्जिन जहां पे ये गड्ढा है ना, डिप्रेशन, इन डिप्रेशन को बोलते हैं बेटा नोचेस। क्या बोलते हैं बेटा, नोचेस। इनकी नोचेस के पास में बेटा जी डेवलप होता है बर्ड्स, दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड दैट इज नोन एज, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडवेंटिशियस बर्ड। कौन सा बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड। और इसी एडवेंटिशियस बर्ड से इस लीफ के ऊपर नए प्लांट लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, छोटा जैसे ऐसे, ये आपका ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, नीचे रूट लाइक, ऊपर ऐसे लीफ लाइक, नीचे इसके रूट लाइक। क्लियर है जी, सो याद रख लीजिएगा कि ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है उसकी लीफ के ऊपर में ही क्या हो जाता है बेटा, कुछ मार्जिन होते हैं ना, मार्जिन से लेके जो आपके डिप्रेशन होंगे लीफ के अंदर में, उस नोचेस वाली जगह पे एडवेंटेशियस बर्ड डेवलप होता है, और यही एडवेंटेशियस बर्ड से फर्दर आगे डेवलप हो जाते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स। क्या डेवलप हो जाते हैं, प्लांटलेट्स। और बेटा जब तक इनको प्लांट
लिड्स, जब तक इनको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी तब तक वहां रहेंगे, और बेटा फिर वो डिटैच होके एक नया प्लांट, फिर ये कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे और डिटैच होके एक नया प्लांट बना लेंगे। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज व्हाट, लीफ बर्ड्स टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी यहाँ पे लीफ के अंदर में जो बर्ड होता है उस बर्ड से एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द एडवेंटिशियस बर्ड। सो एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। उस एडवेंटिशियस बर्ड से एक नया प्लांट अगर बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी मॉडिफिकेशन, या बेसिकली अ न्यू प्लांट दैट इज ग्रोन फ्रॉम एडवेंटिशियस बर्ड्स। और ये आपका पाया जाएगा, तो नया प्लांट्स डेवलप होता है एडवेंटिशियस बर्ड इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम। क्लियर है जी। चूंकि अगर हम रूट्स की बात करें, देखो तो रूट्स एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। इसका बेसिक एक रीजन है, देखिएगा बेसिकली जो भी नया प्लांट्स डेवलप होगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, बर्ड्स चाहिए, असेक्सुअल बर्ड्स चाहिए। तो बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम चांसेस है कि रूट के अंदर में बर्ड्स पाया जाता है, बट भी रेयरली पाया जाता है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी इसको डील नहीं कर रही है। सो मैंने लिख दिया है फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन करना चाहते हैं उसके लिए क्या चाहिए, बर्ड्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। बर्ड्स होगा तभी नया प्लांट डेवलप होगा, लेकिन बट रूट्स हैव वेरी रेयरली डेवलप्ड बर्ड्स या वेरी रेयरली बर्ड्स या रूट, बट रूट हैव वेरी रेयरली बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बर्ड्स होंगे, इसीलिए यहाँ पे आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं दे रखा है। आ जाइए नेक्स्ट, क्या दे रखा है बेटा, जब आप एनसीईआरटी जहाँ पे आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म होगा वहाँ तीन लाइनें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं जिसे पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली पाया जाता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एल्गी हो गया, जैसे कि फंजाई हो गया, ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं केवल किस कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में। जैसे कि क्या करें बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि एल्गी है और फंजाई है, जब कंडीशन होगी बेटा फेवरेबल कंडीशन, कौन सी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, और एक कंडीशन होती है अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। देखिएगा एल्गी और फंजाई जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो बेटा जी क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और बेटा जी जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा बेटा, ये असर्शन और रीजन की तरह लाइन पूछी जाती है कि व्हेन दिस सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एल्गी और फंजाई प्रीफर्ड व्हाट, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस कंडीशन में करेगा, तो बोलिएगा असेक्सुअल करेगा। कब करेगा भैया, जब कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल। लेकिन बेटा अनफेवरेबल कंडीशन है तो वहां पे वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है जी। फिर नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, जैसे आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे अगर हायर प्लांट्स की बात कर दें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। जैसे हायर प्लांट्स में आपका आ गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों की बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके अंदर में दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, चाहे कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाएगा। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म की बात आती है
तो बेटा जितने भी जो आपके अगर बात बोलो एनिमल ऑर्गेनिज्म की बात आती है, तो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की अगर बात होगी तो एनिमल्स के अंदर में मोस्टली जो होता है मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक है, मोस्टली मोस्टली किसी किसी में असेक्सुअल भी पाया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है मोस्टली। और अगर बोले फ्यू ऑर्गेनिज्म में, फ्यू एनिमल्स में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल बताइए हाइड्रा, अभी तो पढ़ा था हाइड्रा। हाइड्रा में क्या पाया जाता था? बर्ड्स और फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, याद आया? ये प्लांट है, सॉरी ये एनिमल है, तभी भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है। फिर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ाया था क्या बेटा जी, आपका स्पॉन्ज, स्पॉन्ज याद है? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के अंदर में क्या बन रहा था? इंटरनल इंटरनल बर्ड, याद आ रहा है? गैम्यूल। ठीक है जी, तो स्पॉन्ज के अंदर में इंटरनल बर्ड बनता है। तो ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्लियर है जी? सो बेटा अगर ये पार्टिकुलर लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सॉरी फॉर द लेट अपडेटिंग ऑफ द वीडियो, थोड़ा बहुत काम में बिजी था बेटा इसलिए थोड़ा अपडेट करने में लेट हो गया, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, हमेशा लगा रहूंगा और आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। थैंक यू ऑल। बेटा दबा के शेयर करिए।